पे लेके पर बेचारी पता नहीं बहुत ही सूख गया। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हालचाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज का व्लॉग हम शुरू करेंगे हॉल के साथ, क्योंकि हमेशा आप लोग कहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने कपड़े कहाँ से खरीदे हैं। सो वैसे तो मैं कपड़े हमेशा तभी खरीदती हूँ जब मुझे कोई अच्छा प्राइस मिलता है। कुछ दिन पहले फॉरएवर 21 से ईमेल आई कि सेल चल रही है, और मैंने सोचा कि फॉरएवर 21 तो बंद हो चुका है। जब मैंने लिंक को क्लिक किया तो मुझे पता चला कि अब वो ऑनलाइन सेल करते हैं स्टाफ नॉर्थ अमेरिका में। तो मैंने कहा कि वाओ, दैट्स अमेजिंग, क्योंकि फॉरएवर 21 के कपड़े काफ़ी अफोर्डेबल हैं। सो मैंने उनकी वेबसाइट से काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी हैं, पर अभी मेरे पास सिर्फ हाफ ही चीज़ें पहुँची हैं। तो मैंने सोचा कि हाफ के साथ ही शुरू करते हैं जो मैंने टी शर्ट पहनी है, ये भी मैंने फॉरएवर 21 से ली थी। और ऑफ़र क्या था, मुझे लगता है कि ऑफ़र था कि जो उनका सेल का सेक्शन है, लाइक सेल पे चीज़ें लगी हैं, उन पे एक्स्ट्रा 30% या 40% ऑफ था। तो वो मेरा फेवरेट होता है, जब क्लियरेंस पे या सेल पे आपको और से डिस्काउंट मिलता है तो मुझे कुछ ना कुछ तो लेना ही होता है। पर वैसे मैं कुछ भी ऐसे पीसेस नहीं लेती हूँ जो लॉन्ग लाइफ वाले नहीं होते, लाइक कलर्स ऐसे नहीं लेती हूँ, समटाइम ले भी लेती हूँ, आई डोंट नो। सो मैंने ये टी शर्ट ली है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, और इस पर बहुत ज़्यादा लाइट प्रिंट है, जो कि आपको शायद ही दिख रहा होगा क्योंकि वो बहुत लाइट है। और क्यों लिए मैंने ये, क्योंकि ये ईजी एंड कम्फर्टेबल है। दूसरी चीज़ है कि न्यूड कलर की है, न्यूड कलर की टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप उसको कितने सारे रंगों के साथ पेयर कर सकते हैं, और स्मॉल नेक। देन मैंने उनके वहाँ से ली है एक और टी शर्ट जो कि वाइट है, एंड वो भी एकदम सिंपल है, बस उसकी आर्म्स कुछ इस तरह की हैं, लाइक बेल स्लीव्स हैं उनकी, बट स्मॉल। सो ये भी एक, आई होप यू गाइस कैन सी, एक्चुअली यहाँ से विंडो है तो थोड़ा जब वाइट आप कैमरे पे लेके आते हैं तो वाइट वाइट हो जाता है। सो या दिस वन है, ये आई थिंक था सेल पे $15 का, और बिकीज मुझे और से ऑफ मिल गया तो $7-8 में आया होगा। पर वाइट का ये है कि आप इसको काफ़ी लंबे समय तक पहन सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट तरीके से। सो मैंने ये ली है वाइट टी शर्ट। ऑलराइट, दूसरी अगेन से मैंने ली है नूड, जो कि काफ़ी लूज़ किस्म की है, क्योंकि मैं हमेशा हस्बैंड की टी शर्ट्स पहनती रहती हूँ, और उन्होंने कहा कि अपनी खुद की टी शर्ट्स लो, तो मैंने लूज़ ही किस्म की टी शर्ट्स ली हैं जो मैं एक दो बार बाहर भी पहन सकती हूँ, देन मैं घर में पहन सकती हूँ। सो वो है ये, जिसपे एक प्यारी सी लड़की का चेहरा बना है, आईज नोज एंड लिप्स, सो यस दिस इज दैट। अगली टी शर्ट है ये ग्रे, जिसपे एक मैसेज लिखा गया है जिसको मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, जो कि है ह्यूमन काइंड। आपको काइंड बन के रहना चाहिए हमेशा। सो आई लव दिस, एक बंदे ने दूसरे बंदे का एक बंदे ने दूसरे बंदे का हाथ पकड़ा और उसने गाया कि, इसके दो तीन डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं, पर या आई टेक इट, मैं इसको लेती हूँ एज अ काइंडनेस। अगला मैंने टॉप लिया है ये वाला, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है इस किस्म का, क्योंकि आप कई तरह से स्टाइल कर सकते हैं, सेम कहानी। एक्चुअली कुछ समय पहले मेरे पास ऐसा एक टॉप था जिसको मैंने एक दो बार पहना और मुझे फिर मज़ा नहीं आया, और फिर मैंने उसको डोनेट कर दिया, और डोनेट करने के कुछ दिन बाद मैंने उसको मिस करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था पर इस किस्म का था, पर इसकी क्वालिटी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो मुझे लगता है मैंने ज़ाफ़ुल या शीन से लिया था। तो ये बहुत अच्छा है, अच्छी आर्म्स है इसकी, और आप मुझे देख सकते हैं दूसरी साइड से। और या मुझे इस किस्म के टॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो मेरी बॉडी है एथलीट काइंड की है, लाइक बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप की। सो इस किस्म के जो टॉप हैं मुझे थोड़ी सी शेप दे देते हैं मेरी बॉडी को। सो या दैट्स दैट। सो बाकी चीज़ें हमारी आएंगी। और फॉरएवर 21 से मैंने फुटवेयर्स भी लिए हैं। सो पहली है ये हील, जो कि ब्लॉक हील है, और मैं बहुत समय से ब्लॉक हील लेना चाहती थी, और हील्स में मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, पर फिर भी मुझे हील्स पहनने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लाइक फॉर फोटोज़ और सम टाइम छोटे मोटे इवेंट्स के लिए जहाँ पे मुझे ज़्यादा वॉक नहीं करनी हो। इसके कितने सारे रीजंस हैं, क्योंकि हमेशा से मुझे मेरे घर वालों ने हील्स पहनने नहीं दी, उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा टॉल हो और हील्स पहन के तुम बहुत ज़्यादा अजीब दिखती हो, और फिर मुझे एक कॉम्प्लेक्स आ गया कि अगर मैं हील पहनूंगी तो डिफरेंट लगूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली में मैं सबसे ज़्यादा टॉल थी, लाइक मैं 5'7" हूँ और बाकी सारे 5'2" 5'3", इवन लड़के भी बहुत ज़्यादा टॉल नहीं है। सो फिर मैं हील पहन के 6 बन जाती थी, तो और या इसलिए फिर मैंने पहनना बंद कर दिया। पर
मज़ेदार लगती हैं यार हील्स, आई डोंट नो कहाँ से कहाँ चली गई मैं। सो या ये ब्लॉक हील ली है मैंने 2025 में आई होगी, ये भी सेम ही डील में थी, लाइक ऑफ में थी, और इसकी आगे से पॉइंटी है, मुझे पॉइंटी बहुत अच्छी लगती हैं। सो या दैट्स दैट। एक और हील ली है मैंने जो कि नूड है एंड अगेन ब्लॉक है, ब्लॉक हील है एंड नूड कलर की स्ट्रैपी सैंडल्स हैं ये, स्ट्रैपी सैंडल्स हैं, और ये जो शेप है ये बहुत मज़ेदार लगती है, रेक्टेंगुलर और ये स्ट्रेट। सो या ये ली है मैंने, और मैंने इसको पहना भी है एक आधी बार, बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है क्योंकि मुझे आदत नहीं है, एंड अब वैसे भी हील्स पहनना मेरे लिए और मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरे पैरों में दर्द रहता है, पर फिर भी यार थोड़ा स्टाइल मारने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत समय से मैं डेनिम लेना चाहती थी क्योंकि मुझे आजकल शौक चढ़ गया है लूज डेनिम पहनने का, टाइट डेनिम में मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता है, पर अफोर्डेबल डेनिम ढूंढना बहुत मुश्किल है, और मिसगाइडेड पे डेनिम पे सेल चल रही थी, लाइक हर एक डेनिम हाफ प्राइस पे थी, एंड अगेन बिकॉज अगर आप उनकी ऐप यूज़ करेंगे तो 20% ऑफ मिलेगा। तो मैंने आई थिंक 5 डेनिम्स ली हैं जो कि मुझे सही सौदा नहीं लगा क्योंकि मिसगाइडेड यूके की वेबसाइट है, तो जब आप वहाँ से सामान खरीदते हो तो आपको कनाडा में अलग से कस्टम्स पे करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। सो फ़ायदा करते करते नुकसान तो नहीं हुआ पर फ़ायदा नहीं हुआ, पर या जीन्स मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आप मिसगाइडेड के नज़दीक रहते हैं कहीं तो प्लीज़ आप ख़रीद सकते हैं। सो मैंने ली है ये, बहुत अच्छी, देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी है पर इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, एंड ये ब्लू डेनिम जो कि स्ट्रेट है, आई थिंक इसको डैडी जीन्स बोलते हैं, सो बिल्कुल स्ट्रेट दिखने वाली जीन है ये, इसको पहनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर आजकल जो ठंड का दौर है उसमें हमें थोड़ी डार्क जीन्स अच्छी लगती हैं, ये थोड़ा लाइट है, पर यह पहनूंगी मैं जल्दी। सो फर्स्ट ये अगली जीन है ये वाली, इसका जो बेल्ट वाला एरिया है बहुत ज़्यादा थिन है, और इसकी शेप भी काफ़ी अलग से है, और ये भी काफ़ी बड़ी एंड लूज जीन है जैसा आजकल ट्रेंड है, यहाँ से फिट है बाकी सारी लूज है, एंड इसका जो बॉटम है वो कैरेट लेग है ये, या कैरेट लेग जीन है ये, एंड समझ में नहीं आ रहा किधर से दिखाऊं, तो या ऐसी है ये। सो ये होगी थोड़ी सी डार्क ब्लू, एंड देन मैंने ली है ये वाली जिसको मैंने एक दिन पहना भी था, और ये मुझे कलर मेरे पास नहीं है और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक्चुअली ये डेनिम मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फिट नहीं है, थोड़ी लूज़ है, सो मुझे बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, पर मुझे इसका कलर एंड स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये भी कैरेट लेग डेनिम है और इस तरह की दिखती है, इनको पहनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि कैसा मज़ा आएगा मुझे पहन के। ऑलराइट, ब्लैक भी ली है मैंने, मेरे पास ब्लैक तो है, अगेन वो स्किनी है, स्किनी पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे भी ठंड में जब आप स्किनी पहनते हो तो ज़्यादा ठंड लगती है, सो ये बहुत अच्छा क्लीन नाइस ब्लैक है, काफ़ी लूज दिख रही है ये, ऐसा लग रहा है कि डैडी की जीन है, शायद इसका नाम डैडी जीन ही है। सो या ये है ब्लैक, ये सारी मिसगाइडेड से ली है मैंने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज है बॉयफ्रेंड जीन जो कि क्लासिक ब्लू डेनिम है, आई थिंक वो बिल्कुल सिंपल दिखती है, बिल्कुल सिंपल है, बस इसकी फिटिंग वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी, लाइक लूज, कि आप डेनिम पहनो तो आपको ऐसे फील हो कि आपने स्वेट्स पहनी है, या आई डोंट नो कि ये एज्ड चीज है या क्या है कि आजकल डेनिम टाइट नहीं पहन पाती हूँ मैं। आप पहन पाते हैं टाइट डेनिम? पहले तो हम, मुझे लगता है कि डेनिम पहन के सो भी जाते थे तो फर्क ही नहीं पड़ता था, पर अब कम्फर्ट सबसे ज्यादा है जरूरी, लाइक या कम्फर्ट ज़्यादा ज़रूरी, और अगर आप लूज चीज़ें पहनना शुरू करते हो तो फिर टाइट आपको और भी ज़्यादा टाइट लगती है, आई थिंक ये मेरी थ्योरी है। ऑल राइट, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है हॉल, सो इनको पहन के भी हम आपको दिखाएंगे, अगर मैंने इनमें से कोई चीज़ भी पहनी होगी तो उसको मैं पिक्चर्स यहाँ वहाँ एडजस्ट कर दी होंगी, ऑलरेडी आपने देख ली होगी, और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है पिक्चर्स के लिए तो प्लीज़ फॉलो कर लें, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारी पिकनिक की वीडियो, हम लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे पार्क में, जो कि हम एवरी डे ही जाते हैं, मैं हर टाइम वीडियो बनाती हूँ और हर टाइम उसे ऐड करना भूल जाती हूँ, पर इस पिकनिक में मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि उनको पकौड़े खाने के लिए मन कर रहा है, तो फिर मैंने क्विकली ब्रेड पकौड़े बनाए आलू स्टफ करके बहुत जल्दी में, तो हम लोग पिकनिक मनाने के लिए गए और वो पकौड़े बहुत डिलीशियस बने थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जल्दी से देखें और वापस आएँ यहीं पे मेरे पास, मैं आपकी वेट करती हूँ, तब तक मैं थोड़ा लक सिद्धा कर लेती हूँ। सो ये है हमारी पिकनिक बास्केट, पानी, चाय, कप और टोमेटो केचप।
मीमी नो डबल डबल बाकी पड़ा Just let me escape for a minute. I want space, build myself a spaceship. Kill gravity, but I wanna be weightless. Suit up. I can't take this blast off. I'm over the moon. I'm loving this view. Not thinking about you. दोस्तों तो यहाँ पे बैठ के हम ब्रेड पकौड़े एंड चाय पियेंगे. वैसे वहाँ पे लेक है पर बेचारी पता नहीं बहुत ही सूख गई है, पानी बहुत कम हो गया है ना. पकौड़े खाने के बाद अब हम वर्कआउट करेंगे और हम जा रहे हैं किधर, थोड़ा सा हाइक करने के लिए. वहाँ पे जाने के लिए ये हज़ारों स्टेयर्स चढ़नी पड़ रही हैं पहले. रुक लेके गया और ऐसे लग रहा कि ट्रेन द गाय स्केयर्ड मी. ओके दोस्तों, कोशिश कर रही हूँ ऊपर चढ़ने की पर उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा. मुझे लग रहा है कि मैं यहीं पर रहने वाली हूँ. उन दोनों को जाने देते हैं क्योंकि बातचीत का पछताना पहला मेरे लिए सारा कुछ कितना आसान से पर अब बट इट्स ओके. फिर मैं बहुत किया है, मैंने आपको दिखाऊँ मैं कितना वॉक करके आई हूँ. सो यहाँ वहाँ से वॉक, वो सारा एरिया वॉक करके आई हूँ मैं. गाइस हिम्मत एंड उसके डैडी दिख रहे हैं आपको. मैं नीचे आके बैठ गई थी और वो दोनों वहाँ पे गए. ओके दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा. अगर आपके पास कोई खास रिक्वेस्ट है मेरे लिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चीज़ करूँ या कुछ भी करूँ, कोई चैलेंज, कोई टैग वीडियो या कुछ भी, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, कमेंट करें. मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड मैं मिलूंगी नए वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज़ अ ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. इजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी. बाय लालू.